जैसे माता पिता का चरण छूना है, ये आपने बच्चे को बताया और वो छूना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि क्यों महत्वपूर्ण है माँ बाप के चरण छूना, तो फिर वो विश्वास एक अंधविश्वास का रूप ले लेता है। उसने जाना नहीं है, उसने समझा नहीं है, उससे सिर्फ बताया गया कि माता पिता गुरु के चरण छूने चाहिए। उसने बचपन से सीख लिया, छूना शुरू कर दिया। अगर उससे पूछा जाएगा कि माता पिता गुरु के पैर क्यों छू रहे हो, वो कहेगा मेरे पिताजी ने समझाया था इसलिए छू रहा, गुरु जी ने कहा था इसलिए छू रहा, परंपरा से ये चला आ रहा है इसलिए कर रहा। अपना विवेक खो बैठना इसे ही कहते हैं। किसी ने कह दिया यहां मंदिर है राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, वहां सिर झुकाओ, आदमी सिर झुकाना शुरू कर दिया, अंधविश्वास पैदा हो गया। सच तो यह है कि हमारा जीवन जिसमें धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये चलता ही है डर और लालच के वजह से। ये जो सत्संग है, ये जो धर्म है, जिसके द्वारा बहुत से अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, इसका आधार क्या है? डर और लालच। और इस डर और लालच के ही कारण स्वर्ग और नरक की कल्पना हुई। लालच दिया गया कि तुम यहां दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब जाना है स्वर्ग, तो स्वर्ग के लालच में दान करना शुरू कर दिया। डर दिखाया गया कि यहां तुम पाप करोगे तो नरक में जलोगे। अब किसी ने जाकर देखा नहीं। आज कहीं कुछ होता है, हमारे देश की मीडिया वहां पहुंच जाती है कैमरा लेके। गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा था, मीडिया वहां भी बिना डरे खड़ी हो गई। यूक्रेन रूस के युद्ध में मीडिया जाके लाइव रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन किस नरक में कौन आदमी कैसे जल रहा है, कैसे कड़ाहे में तला जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। पर हमें डरा दिया गया धर्म के मंच से कि तुम यदि पुण्य का काम नहीं करोगे, तुम अगर भगवान की पूजा नहीं करोगे, तुम अगर राम का नाम नहीं लोगे, तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे, तुम अगर दान नहीं करोगे, तो तुम नरक में जाओगे। और नरक भी ऐसा जहां आरे से चीरे जाओगे। वो इतने बढ़िया व्याख्या करते हैं कि आदमी भयभीत हो जाता है कि तुम आरे से चीरे जाओगे और खौलते हुए तेल में डालकर उबाले जाओगे, सांप बिच्छू से भरे हुए गड्ढे में उतार दिए जाओगे, मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा में शीर्षासन करवाया जाएगा तुमसे। इतने सारे डर दिखा दिए गए कि आदमी धार्मिक हो गया। हमारा धार्मिक होना डर के वजह से और लालच के वजह से होता है। उसमें कहीं कोई यथार्थता नहीं होती, कहीं कोई सत्य नहीं होता। कोई विरला होता है जो सत्य में धर्म को जानता है, भक्ति को जानता है। तो अंधविश्वास जन्म ऐसे ही अवस्थाओं में लेता है। बता दिया गया कि सत्संग करो, सत्संग करने से स्वर्ग मिलेगा। सत्संग क्या है ये बताया नहीं गया, सत्संग में जाओ स्वर्ग मिलेगा। राम नाम क्या है ये बताया नहीं गया, राम नाम लो स्वर्ग मिलेगा। हमारे गुरु से दीक्षा ले लो सीधे मुक्ति मिलेगी, गुरु से दीक्षा क्यों ली जाए ये बताया नहीं गया। हमारे मतपंथ में आ जाओ तुम्हें सीधे स्वर्ग का टिकट मिलेगा, ये बताया नहीं गया कि हमारे मतपंथ में होता क्या है। माता पिता का चरण क्यों छुए ये बताया नहीं गया। राम क्यों पूजनीय है ये बताया नहीं गया। अंधविश्वास जन्म लेने लगा। किसी संत के पास जाकर बैठो, चूंकि पिताजी ने कहा था कि महान संत हैं, तुम भी चले जाना। अपना निजी अनुभव हमारा नहीं होता कि संत के पास अगर हम जा रहे हैं तो संत का संतत्व क्या है, संत की रहनी क्या है, संत का आचरण क्या है।
पिताजी का कहना, पिताजी का अनुभव वहां काम नहीं आएगा। अपना निजी अनुभव क्या है? अगर हमें प्यास लगी है, हम कुआं पर जाएंगे, हम तालाब में जाएंगे, नल के पास जाएंगे, तब हमें पानी पीने के बाद संतुष्टि मिलेगी। प्यासा कोई और है और हम जबरदस्ती वहां चले जाएं, हमें प्यास नहीं लगी है, हमें कोई अनुभव नहीं होगा। अगर हमें शांति की प्यास है, अगर हमें सुख की तलाश है, अगर हमें आनंद की प्यास है, तो वो प्यास हमें समझना पड़ेगा, वो प्यास हमें पता करना पड़ेगा कि इसके बुझने का तरीका क्या है। अगर सिर्फ मान लिया जाए, एक होता है सिर्फ मानना, बता दिया कि मान लो, पत्नियों को कह दिया गया कि पति परमेश्वर होता है, मान लो, बताया नहीं गया कि क्यों परमेश्वर होता है। अब जब आप सवाल करेंगे, धर्मगुरु कहते हैं कि तुम सवाल करोगे मुझसे, बस हमारे शास्त्रों ने कहा है पति परमेश्वर होते हैं, मान लो। अब चाहे पति लुच्चा लफंगा क्यों ना हो, परमेश्वर होते हैं, मान लो, शास्त्र ने कह दिया, मान लो। अमुक तीर्थ की महिमा भी बता दी गई कि वहां जाना ही चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। नारियों को मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। शूद्र पढ़ नहीं सकता, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। ये तमाम तरह के अंधविश्वास जन्म होने लगा, और ये शास्त्र का भय, नरक का भय, स्वर्ग का लालच, ये सारी चीजें आदमी को अपंग बना दिया, दिमाग से बुझदिल बना दिया, आदमी के सोचने और समझने का क्षमता फिर धूमिल हो गया। जो दिमाग खुल सकता था, विकसित हो सकता था, जो इंसान अपने भीतर एक चेतना प्रकट कर सकता था, तर्क शक्ति जागृत कर सकता था, वो इंसान बुझदिल हो गया। सोचना समझना, धर्मगुरु समझा दिए कि मंदिर के बारे में सवाल नहीं कर सकता, नरक जाओगे, सवाल भी करना व्यर्थ है। शास्त्र पर सवाल नहीं उठा सकते, नरक में जाओगे, जो बताया गया वो मानना पड़ेगा, वरना नरक में जाओगे। राम नाम बता दिया गया, जपना पड़ेगा, वरना कलयुग में ऐसे ही पाप हो रहे हैं, तुम और नरक की तैयारी करोगे। संतों ने कहा, वस्तुतः कोई भी चीज अगर बताया गया तो बताने के पीछे उसके रहस्य को बताना जरूरी है। अब गुरु जी को भूख लगी, गुरु जी ने भोजन किया, और संयोग से उस वक्त 11 बज रहे थे। शिष्यों ने देखा कि 11 बजे हैं, अब शिष्यों ने सोचा गुरु जी 11 बजे खाते हैं, वो परंपरा बन गई, नियम बन गया। अब गुरु जी चाहे कहीं भी रहें, शिष्य तैयारी करेंगे कि गुरु जी को 11 बजे ही खिलाना है, और फिर आश्रम का नियम बन जाएगा 11 बजे खाना है। जैसे कथा आप सब सुनते हैं कि एक आश्रम में गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, बिल्ली पाले हुए थे, तो बार बार बिल्ली इधर से उधर दौड़ती थी, लोगों का ध्यान भटकता था। गुरु जी ने कहा, ऐसा करो, बिल्ली को बगल ही बांध दो। बांध दिया गया। कुछ शिष्य बाहर से आए, देखा कि गुरु जी जहाँ बैठते हैं बगल में बिल्ली बंधी। आगे जहाँ उनका समय कार्यक्रम का लिया गया, तो लोगों ने बाजार से बिल्ली खरीद के बगल में बांधा कि गुरु जी जहाँ बैठते हैं वहाँ बिल्ली बांधना जरूरी है, क्योंकि गुरु जी को बिल्ली पसंद होगी। और फिर वही चीजें परंपरा में आ गई, वही चीजें अंधविश्वास में आ गई। अब जो शिष्य उनका फोटो लगा के बैठते थे, बगल में बिल्ली का फोटो लगता था। ये नासमझी है, ये अंधविश्वास है। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि गुरुजी बिल्ली पालते थे, शौक था, बिल्ली ने उछल कूद किया, बगल में बैठ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी का जीवन क्या है, हम इस संबंध में चर्चा नहीं करते। गुरुजी कैसे लेटते थे, हम उसका फोटो लगा देते हैं, पूजा शुरू हो जाती। गुरुजी कैसे बैठते थे, गुरुजी कैसे चलते थे, गुरुजी का जीवन क्या है, गुरुजी का जीवन पूजनीय क्यों है, हम इस पर नहीं जाते। माता पिता आदरणीय क्यों है, हम इस पर विचार नहीं करते। एक माँ को देवता क्यों कहा गया, एक माँ को सर्वप्रथम देवी क्यों माना गया, एक माँ आदरणीय पूजनीय वंदनीय क्यों है, इस पर चर्चा नहीं हुई। बस बच्चों को सिखा दिया गया कि माँ
का चरण छुओ, वो छूना शुरू कर दिया, कल को कोई कह देगा कि क्यों छू रहे हो, छूना छोड़ देगा, क्योंकि वो अंतर मन से जानता ही नहीं है कि छूना क्यों चाहिए। जिसके भीतर ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर वो दुनिया सामने खड़ी हो, कोई यमराज सामने खड़ा हो, वो चरण छुएगा, क्योंकि श्रद्धा भीतर से पैदा हुई। बाहर से थोपी हुई श्रद्धा खत्म हो जाती है, बाहर से थोपा हुआ विश्वास खत्म हो जाता है। जो भीतर से जागृत होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो ज्ञान भीतर से उत्पन्न होता है, जो ज्ञान हमारे विवेक के द्वारा जागृत होता है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, बाहर की भी भीतर की भी, हमारा विवेक खत्म हो जाता है, और किसी ने बता दिया बस वैसे वैसे आंख बंद करके हम चलते हैं, तो हम गिरते भी हैं। फिर हम छोड़ भी सकते हैं, कोई दूसरा समझा दिया हम वो मान लेंगे, कोई तीसरा समझा दिया हम वो मान लेंगे, फिर यथार्थ में हमारा जीवन नहीं होता। जैसे आपके छत पर टंकी, उसमें 1000 लीटर की टंकी है, पानी भरा है, 1 लीटर पानी निकाल लीजिए वो 900, 1000 का टंकी है, 1 लीटर उसमें घट गया, 10 लीटर निकाल लीजिए 10 लीटर घट गया, 100 लीटर निकाल लीजिए 100 लीटर घट गया, 500 निकाल लीजिए 500 घट गया। आप एक बूंद निकाल लीजिए, 1 बूंद उसमें कम पड़ गया, नाप के देख लीजिए, क्योंकि बाहर से डाला गया है, उसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। बाहर से आपने जितना डाला उतने उसने रख लिया, लेकिन आप बोर से, कुआं से, नदी से, तालाब से 1 बाल्टी नहीं 1000 लीटर निकाल लीजिए, उसमें घटेगा नहीं, क्योंकि उसमें डाला नहीं गया है, वो खुद पैदा हुआ है। जो स्रोत भीतर से जागृत हुआ है, उसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं है, उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। जो श्रद्धा अपने विवेक से जन्म लेती है, जो ज्ञान भीतर से जागृत होता है, वो मिटता नहीं है, और वो यथार्थ ज्ञान है, और उसमें फिर जगत को देखने का तरीका बदल जाता है। फिर वो आदमी माता को सच में पूजनीय समझेगा, क्योंकि उसने खुद जाना है, अपना अनुभव उसको खुद मिला है। थोपी गई श्रद्धा, थोपा गया विश्वास से वो सिर्फ मान रहा है, जब तक मान रहा है। सिखाया गया भाई से प्रेम करो, क्यों करो ये नहीं बताया गया, तो जब तक मामला ठीक ठाक चल रहा है चलता है। जब तक लोकलाज की थोड़ी मर्यादा बची होती है प्रेम चलता है, लेकिन जैसे ही भीतर का कपट, भीतर का छल, भीतर का विकार उमड़ कर बाहर आता है, उसी दिन घर बंट जाता है, उसी दिन जमीन बंट जाती है, वो श्रद्धा खत्म हो जाती है, वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। लेकिन जिस दिन उसके हृदय में ये ख्याल उठ जाएगा, जिस दिन उसके हृदय में ये भाव जागृत हो जाएगा कि भाई से बड़ा धन दूसरा कुछ भी नहीं। मैं अक्सर सुनाता हूं राम जी का वो प्रसंग कि विश्वास श्रद्धा कैसे जागृत होती है रिश्तों में। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिसे दुनिया भजती है, सब लोग नाम लेते। राम जी से लोगों ने कहा कि आपको संसार भजता है, नाम लेता है, कोई है जिसको आप भजते हैं? राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा मेरे लिए भरत से प्यारा कौन हो सकता है, दुनिया मुझे भजती है, मैं अपने प्यारे भाई भरत को भजता हूं। वो प्रेम कभी टूट सकता है? जिसके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा ने जन्म लिया है, प्रेम ने जन्म लिया है, वो भाई से कभी जमीन बांट सकता है? अपना शरीर मिट जाए परवाह नहीं है, अपना सब कुछ लुट जाए परवाह नहीं है, लेकिन भाई के प्रति एक जरा सा भी परिवर्तन नहीं आएगा उसके प्रेम में। विश्वास श्रद्धा जब भीतर से जागृत हो, तो कोई दुनिया की शक्ति, कोई स्वार्थ, कोई धन भाई से भाई को अलग नहीं कर सकता है, जमीन को बांट नहीं सकता है। लेकिन हमें सिखाया गया भाई भाई से प्रेम रखना चाहिए, बताया नहीं गया क्यों रखना चाहिए।
माँ का चरण छूना चाहिए, बताया गया भी। पूज्य श्री साहब जी बता रहे थे वृद्धाश्रम छोड़ाया, माता पिता ने तो अनाथाश्रम से उठाया था बड़े भाव से कि मेरा पुत्र है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वो सहारा क्या बनेगा? लालच में अंधा होकर, स्वार्थ में अंधा होकर उस माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था जिसने खुद उसे अनाथाश्रम से उठाया था। शास्त्रों में संतों ने, कथाकारों ने सिर्फ इतना बताया कि माता आदरणीय। ये विश्वास हमें कराया गया बचपन से कि माता पिता के चरण छुओ, वो चरण क्यों छुए ये बताया ही नहीं गया। माता क्यों आदरणीय है ये बताया ही नहीं गया। पिता क्यों पूजनीय है ये बताया ही नहीं गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब तक संभला तो संभला, नहीं तो वृद्धाश्रम तो बना हुआ है देश में। इस देश का दुर्भाग्य भी कि जिस देश में शिव की पूजा हो, जिस देश में शिव के मंदिर हो, जिस देश में जगत जननी के मंदिर हो, वहाँ माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बनते हैं। लोग कहते हैं हम वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, हम तो तुरंत कहते हैं कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वृद्धाश्रम यहाँ बन रहे हैं। वृद्धाश्रम को तो ढाह देना चाहिए, लेकिन मजबूरी। अब बच्चे नालायक निकल जाते हैं, छोड़ देंगे सड़क पर, वृद्धाश्रम है कम से कम सहारा दे दिए। अनाथाश्रम बनाइए, गौशाला बनाइए, चिकित्सालय बनाइए, विद्यालय बनाइए, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि उसके बनने का कारण है कि माता पिता निर्वासित हुए हैं, निष्कासित हुए हैं। इसका मतलब है कि बेटे ने अपना धर्म भूला है, बहुएं अपना धर्म भूली। इसका मतलब है कि माता पिता के प्रति जो श्रद्धा, जो आदर, जो प्रेम है वो खत्म हो गया है। और इसका इसके पीछे का कारण वही है अंधविश्वास, कि परंपरा से थोपा गया अंधविश्वास, परंपरा से थोपी गई अंधश्रद्धा जो हम पर थोप दी गई, हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस माँ ने आपको इस धरती पर आने का अवसर दिया, जिस माँ ने आपकी सेवा की, जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 माह तक रखा है, 1 किलो का पत्थर आप पेट पर बांध कर घूमिए, 2 घंटे में परेशान होकर डॉक्टर के यहां चले जाएंगे। माँ ने 9 महीने ढोया है, अपनी सांसें दी है, अपना रक्त दिया है, अपनी संपूर्ण चेतना दी है। उस माँ के प्रति अगर कृतज्ञता आती है मन में, तो संत कहते हैं फिर इस धरती पर ना आना ज्यादा बेहतर था। जिस पिता ने अपने कपड़े का प्रवाह नहीं किया, पूरा कपड़ा दिया, जिस पिता ने अपने पेट की चिंता नहीं की, पूरा भोजन दिया, जिस पिता ने अपने सम्मान की चिंता नहीं की, जहां तहां काम करके पाला पोसा पढ़ाया, उस पिता को अगर तुम जवाब दे रहे हो और वृद्धाश्रम भेज रहे हो, तो संत कहते हैं फिर तुम्हें इस धरती पर आने का कोई अधिकार नहीं था। जिस माता पिता के चरणों में तीर्थ का वास है, उस माता पिता को दुख दे रहे। व्यवहारिक जगत में माता पिता सर्वोपरि हैं, क्योंकि माता पिता ने ये शरीर आपको दिया है, माता पिता ने यह तन आपको दिया है। उनकी महानता है कि इस धरा पर आने का अवसर उन्होंने दिया है। लेकिन गुरु इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि इस कोरे शरीर को अमर वो बनाते हैं। जैसे मिट्टी है, कुम्हार के हाथ चला जाए तो मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन कुम्हार उसको रूप देता है, मूर्ति का, घड़ा का। और यदि कुम्हार का मन मस्तिष्क थोड़ा बिगड़ जाए तो चिलम भी उसी मिट्टी से बना देता है। फिर जो घड़ा शीतल जल भर करके दूसरों के प्यास बुझाने के काम आती थी, फिर वही चिलम दूसरों के हृदय को जलाने के काम आने लगता। तो गुरु ऐसे जरूरी हैं जो हमारे इस कोरे शरीर को दिव्य बना सके। माता पिता ने कोरा शरीर लाकर आपको दे दिया कि लो इस धरती पर तुम आ गए, लेकिन गुरु वो हैं जो इस जीवन को अमृता प्रदान करते हैं, जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि माता पिता और गुरु, पहला देव माता पिता है लेकिन गुरु तीसरा क्यों? क्योंकि पहली सीढ़ी पर माता पिता ही खड़े हैं, शरीर वो उन्होंने ही दिया,
पर सर्वोपरि गुरु ही हैं जो इस शरीर को अजर अमर बनाया है। शरीर को अर्थात जिस शरीर में आप हैं उस शरीर को साधना का सूत्र दिया है, उसी शरीर से आपने स्वयं को जाना है, उसी शरीर से आपने मोक्ष को जाना है और गुरु ने आपको मोक्ष तक की यात्रा कराया है। इसलिए गुरु सर्वोपरि होते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अंधविश्वास अगर है तो गुरु के प्रति भी हमारा संबंध बिगड़ जाएगा। हम वहां भी अंधविश्वास के साथ अगर गए और कुछ आवेदन लेकर गए और सांसारिक आवेदन हमारा है पूरा नहीं हुआ तो हम फिर वहां भी बिगड़ कर आएंगे। माता पिता के प्रति भी अगर हमारा समर्पण सही नहीं है, सिर्फ कहने के कारण है कि शास्त्रों में कह दिया माता आदरणीय है, पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है और हम चरणों में बैठ गए कुछ देर के लिए और कहीं मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उठ के चल दिए, गाली देने लगे, माता पिता से विवाद कर लिए, गुरु से विवाद कर लिए। तो मैंने कहा कि विश्वास जब अंधविश्वास का रूप ले ले, श्रद्धा जब अंधश्रद्धा का रूप ले ले तो हम कदम कदम पर परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता, वो बदलता रहता है, रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। मान्यता के आधार पर हमने भाई से प्रेम रखा, जैसे ही भीतर स्वार्थ जगा खत्म। मान्यता के आधार पर गुरु से प्रेत रखा, जैसे ही कुछ ऊंच नीच हुआ सब खत्म। हम डर और लालच के कारण अपने हर दिशा हर समय बदलते रहते हैं। किसी ने कह दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तुम उस पार जाओगे गाड़ी पलटी हो जाएगी, अब आदमी रुक जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा शरीर लेकर हम जा रहे हैं, छोटी सी बिल्ली से डर के खड़े हो गए। बिल्ली को जाना था इस पार से, उस पार चली गई, लेकिन इतना गहरे में ये अंधविश्वास जमा हुआ है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ठहर जाती है छोटे से बिल्ली के पार होने से। बिल्ली को पता भी नहीं होता है कि मैं उस पार चली गई तो कुछ अनर्थ हो गया होगा, उसको बस जाना था चली गई। लेकिन बिल्ली से हम भयभीत, क्योंकि तो हमें सिखा दिया गया अगर जाओगे तो गाड़ी उलट जाएगी। कई बार जब हम लोग गुजरते हैं सड़क पर, अब बिल्ली रास्ता काटती मैं नहीं कहता हूं, पार करती, वस्तुतः आदमी रास्ता काटता है। जब आदमी काटता है तो शायद बिल्ली के लिए कुछ अपशकुन हो जाए, पर बिल्ली से आदमी को कुछ नहीं होता। तो जब हम लोग पार करते हैं तो कई लोग जो गाड़ी रोके रहते हैं वो देखते भी हैं कि महात्मा लोग की गाड़ी निकल गई, तो कई लोग कहते हैं कौन इसके पीछे रोने वाला है, मर भी जाएगा तो इसको गया है जाने दो, हम लोग तो आराम से जाएंगे। अंधविश्वास गहरे
मानसिकता में पूरा बैठा हुआ है। बिल्ली से भयभीत हो गए। किसी ने कहा घर में झगड़े हैं, भाई से विवाद है, माता पिता में श्रद्धा नहीं है, जमीन का झगड़ा है। अब ये नहीं समझाया जाता है कि सब मन का खेल है, मन में गंदगी है, विवाद खड़े होंगे, मन में नफरत है, घृणा है, विवाद खड़े होंगे। अब बता दिया गया नहीं, तुम पर शनि ग्रह टेढ़ा है। अब आदमी शनि ग्रह शांत करने के लिए घूम रहा है। अब समस्या यह है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है शनि ग्रह। अगर वो टेढ़ा हो जाए तो पूरी पृथ्वी चपेट में आ जाएगी। अब एक दो आदमी पर कैसे टेढ़ा होता है, ये भी समझ में नहीं आता। सूरज का रोष प्रकाश अगर अभी निकला है, धूप में जाएंगे, सब पर बराबर पड़ेगा, किसी एक पर पड़ेगा क्या? लेकिन शनि ग्रह एक पर टेढ़ा होता है, हम दिमाग नहीं लगाते कि एक पर क्यों टेढ़ा होगा। और यदि टेढ़ा भी हो गया, चलो बात समझ में आती, तो एक अंगूठी पहनने से सीधा कैसे हो जाएगा? इतना बड़ा ग्रह छोटी सी अंगूठी से सीधा हो जाएगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, मन अगर हमारा विकारी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा बुरा विचार हमारे लिए ग्रह है, हमारी अंधश्रद्धा हमारे लिए ग्रह है, हमारा अंधविश्वास हमारे लिए ग्रह है, हमारे भीतर की नफरत हमारे लिए ग्रह है, हमारे भीतर की घृणा हमारे लिए ग्रह है। बाहर प्रकृति में कोई समस्या नहीं, समस्या हमारे मन में है। मन हमारा गहरे अंधविश्वास में है, मन हमारा पाखंड में है। हम रिश्तों को भी तिलांजलि दे देते, हम मर्यादाओं को भी तार तार कर देते। अंधविश्वास जब इसी तरह गहरे उतरता है तो हम कदम कदम पर बाहरी चीजों से भयभीत होने लगते हैं, फिर एक नई नई कल्पना, नई नई गाथाएं गढ़ने लगते हैं, फिर हमारी मान्यताएं सिर्फ मान्यताएं रह जाती है और वो फिर अंधी हो जाती है। यथार्थ कुछ नहीं होता। माता पिता गुरु की सेवा क्यों करनी है? मैंने कहा कि जिस माँ ने जन्म दिया, ये भाव हमें जागृत करना है कि माँ ने अवसर दिया इस धरा पर, पिता ने पाला है, परवरिश किया है। और उसी माँ बाप से अगर एक भाई ने जन्म लिया है जो हमारा ही भाई है, क्यों बैर करना? हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि भाई से क्यों बैर करना और किसके लिए बैर करना। जिस जमीन के लिए भाई पर मुकदमे ठोक रहे हो, वो जमीन भी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी थी भी नहीं। जिस स्वार्थ के लिए रिश्तों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो, वो स्वार्थ भी यहीं धरा रह जाएगा, हम विचार नहीं करते और हमारा परिवार टूटता चला जाता है, बिखरता चला जाता है। और इस तरह हमारे जीवन धीरे धीरे अंधविश्वास के चक्कर में तमाम घोर घनघोर अंधेरे में चला गया। किसी ने बता दिया यहाँ भूत होता है, अब देखा नहीं है लेकिन डर पैदा हो गया कि हाँ होता ही होगा, कहा है किसी ने। अब जब तक नहीं कहा, उधर से रोज 100 बार गुजरते थे, कुछ नहीं होता था। अगर होता तो पहले भी कुछ हो जाता ना, लेकिन जब किसी ने कह दिया कि उस पेड़ पर भूत रहता है, अब गुजरेंगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल के निकलेंगे, मन को शांति देना। जब तक पता नहीं था कि वहां भूत रहता है, तब तक फिल्मी गीत गाए जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, भूत आपको कुछ कर भी नहीं रहा था, तब तक फिल्म के गाने गुनगुनाते जा रहे थे। किसी ने कह दिया वहां भूत रहता है, अब हिम्मत नहीं है फिल्मी गाने मुंह से निकल जाए, अब निकलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हूँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब यही गाते गाते शमशान भी पार कर जाते हैं। वस्तुतः हनुमान चालीसा से भी कोई प्रेम थोड़े, भूत का डर हुआ तो हनुमान चालीसा याद आ गए, भूत से भयभीत हुए तो धर्मशास्त्र याद आ गए, गुरु याद आ गए, गुरु का नाम जपने लगे। हमारी पूजाएं ऐसी ही चलती है डर में। मैंने कहा डर है तो पूजा है, लालच है तो पूजा है। डर हुआ हम कहीं पूजा शुरू कर दिए कि माता रानी का प्रकोप हो गया है। हम लोग को कभी कोई समस्या हो जाती, कभी थोड़ा सा स्वस्थ हो गए तो लोग कहने लगते हैं देखा भगवान नहीं मानता इसलिए हो गया। मैं कहता हूं भैया मैं भगवान मानता हूं, पर जिस तरीके से आप मानते हो मैं वैसा नहीं मानता। मैं तो माता पिता गुरु को भी भगवान मानता हूं, मैं तो सृष्टि के हर जीव को भगवान मानता हूं, पर किसी भगवान ने सृष्टि बनाई है मैं ये नहीं मानता।
किसी भगवान इसका नियंत्रक है, मैं ये नहीं मानता जो आप मानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई एक शक्ति है, मैं ये नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही नहीं होता, उस सुप्रीम पावर के आगे किसी की चलती क्या, वो स्वतंत्रता छोड़ देते किसी को, फिर ये मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चलते, फिर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है और वो इतने सारे गाय काट रहे हैं, ये मुसलमान गाय काट रहे हैं, फिर भगवान तो एक मिनट में रोक देते। वस्तुतः ये सृष्टि अनादि है, ये सृष्टि ऑटोमेटिक है और सदा से है, सदा रहेगी, सिर्फ परिवर्तन होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, कृष्ण भी कहते हैं कि जिसकी सत्ता है उसका कभी नाश नहीं हो जाएगा और जो है ही नहीं वो कहीं से आ नहीं जाएगा। ये सृष्टि सदा से है, बस अंतर यह है कि ये मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित जो कुछ भी है ये बदलता रहता है। जीव वही है, आत्मा वही है, शरीर बदलता रहता है। तो भगवान इस अर्थ में मैं मानता हूं जिसने अपने मन वचन कर्म से स्वयं को पवित्र बना लिया है, जिसके हृदय में सृष्टि के लिए करुणा है, जिसके हृदय में समस्त प्राणी मात्र के लिए दया है, वही तो भगवत स्वरूप है, वही तो भगवान है। जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और सबके भीतर जो ये आत्मा है यही तो परमात्मा है, कोई दूसरा परमात्मा कहाँ है? अगर दूसरा परमात्मा होता तो कृष्ण ये थोड़े कहते कि शरीर में बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन पुरुषा पर, फिर कृष्ण ये कहते ही नहीं। और वेद के ऋषि तो कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो दूसरे लोग ने कहा कि आप ब्रह्म हैं तो हम क्या हैं? तो ऋषि ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो। कहा फिर ये आत्मा क्या है? तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। तो जो वेद भी वही कह रहा है, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, सदगुरु कबीर भी वही कह रहे हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों भटक रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, तो बात सीधी सी है कि जिन अर्थों में भगवान की कल्पना की गई उन अर्थों में नहीं मानते, वैसा है भी नहीं। भगवान जो भी महापुरुष इस धरती पर आए भगवान स्वरूप हैं, माता पिता भी भगवान स्वरूप हैं, गुरु भी भगवान स्वरूप हैं, आप सब भगवत्ता का ही रूप हैं, आपके भीतर सब में भगवान विराजमान है। अगर हम सबसे प्रेम करना शुरू कर दें तो भगवान यही मानना है। अब जो लोग मंदिर में भगवान मानते हैं, माता पिता को नहीं मानते, मैं कहता हूं अगर आप सच में भगवान मानते हैं तो माता पिता का सम्मान करें, अगर आप सच में शिव की पूजा करते हैं तो प्यासे को पानी पिलाइए, शायद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं न चढ़ाएं शिव जी को ज्यादा दुख नहीं होगा, अगर आप किसी भूखे प्यासे को भोजन कर दें, करा दें, पानी पिला दें। एक प्यासे को पानी पिलाना शायद शिव की सबसे बड़ी पूजा हो सकती, लेकिन हम वो बस नहीं करते। किसी लाचार को 10 रुपया देने के बजाय हम गंगा नदी में 10 रुपया डालना ज्यादा बेहतर समझते हैं। शायद किसी लाचार को हम 10 रुपये दे दें तो उसके खाने के काम आ जाए, हमने पानी में फेंक दिया, किसी काम का नहीं। अगर गंगा की पूजा करना है तो गंगा को शुद्ध रखिए, गंगा को पवित्र रखिए, गंदगी मत डालिए, इससे बड़ी पूजा उसकी कुछ भी नहीं। अगर राम की पूजा करना चाहते हैं तो राम जी की मर्यादा को उतारिए, इससे बड़ी पूजा और कुछ भी नहीं है। भाई से प्रेम रखिए, माता पिता का सम्मान करिए। अगर सदगुरु कबीर की पूजा करते हैं तो जातिवाद मत फैलाइए, छुआछूत मत मानिए, ऊंच नीच मत मानिए, सबसे प्रेम रखिए, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जीवन बिताइए, यही सदगुरु कबीर की भक्ति है, यही उनका मानना। तो मैंने कहा कि अंधविश्वास बहुत गहरा में है, कहीं भी किसी भी क्षण सुबह हो शाम हो दोपहर हो आदमी हर जगह लगन मुहूर्त ग्रह के चक्कर में पड़ता है। कुछ शुभ काम करने का मन हो तो तुरंत वो मुहूर्त दिखाने जाता है पंडित जी से कि देखिए कोई शुभ घड़ी देखिए, हम सत्संग कराना चाहते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि सत्संग कराना है, मैं कहा ठीक है, मैं इस डेट में खाली। उसने कहा नहीं, पंडित जी से पूछा था इस डेट में ठीक नहीं, उन्होंने दूसरा डेट बताया। मैंने कहा फिर उन्हीं से सत्संग करा। मैं कहा जो सत्संग खुद शुभ है उसके लिए मुहूर्त क्या देखना, वो तो जब करो तब मुहूर्त शुद्ध हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात है कि चोर चोरी करने से पहले कभी मुहूर्त नहीं देखता है कि चलो मुहूर्त देख लें, पता नहीं चोरी ठीक से होगी कि नहीं। उसको आत्मविश्वास है कि मैं जब भी करूंगा सफल हो जाऊं, लेकिन एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को भरोसा नहीं। इसका मतलब हम कर ही कमजोर मन से रहे। शराब पीने वाले कभी मुहूर्त नहीं देखते कि शराब पीने से पहले पंडित जी से पत्र देख ले। भाई से झगड़ा करने वाला आदमी कभी मुहूर्त नहीं देखता है। सास बहू में झगड़े होते हैं, कभी पत्र देखते हैं क्या कि ये मुहूर्त कैसा रहेगा? इस घंटे में नहीं लड़ना कि शाम को लड़ना है, दोपहर लड़ना है। सारे अनैतिक काम बिना मुहूर्त के हो रहे हैं, और जो काम खुद शुभ है उसके लिए मुहूर्त देखे जा रहे हैं। समस्या हमारे मन में इतने गहरे तक बैठा दिया गया, इतना अंधविश्वास बैठा दिया गया कि हम यथार्थ से बहुत दूर हट गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस क्षण आपको शुभ करने का भाव जगे आप शुभ करिए, समय निर्धारित मत करिए। ध्यान का भाव जगा है, रात को 12 बजे उठ के बैठ जाइए, ध्यान करिए। पूजा का भाव जगा है, नियम मत बना लीजिए कि इतने बजे ही पूजा होगी, चाहे गुस्से में क्यों न रहें। पूजा का अर्थ है परम प्रेम, परम समर्पण, परम श्रद्धा, और वो जब जागृत हो पूजा करिए। जिनके प्रति जागृत हो पूजा करिए, भाव करिए, सेवा करिए, अपने को बांधिए मत। लेकिन अंधविश्वास जब जागृत होता है तो हम हर चीज मुहूर्त में देखते हैं, हर चीज लगन ग्रह की ओर देखते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने नजर बांध दिया, तोड़ दिया, किसी ने बुरा सोच दिया, किसी ने बाण मार दिया। लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई डायन रहती है, उसने बाण चला दिया। मैं तो कहता हूं सबको बॉर्डर पर भेजो, सेना झूठे मर रही है। बढ़िया बाण चला चला के पाकिस्तानियों को होश ठिकाने करे, लेकिन सबका बाण अपने ही लोगों पर काम करता है। दुश्मनों के सामने जाते ही बाण का धार खत्म हो जाता है। संत कहते हैं अंधविश्वास है। सारी शक्तियां अपने ही लोगों पर काम आती है, उन शक्तियों का प्रयोग बुरी शक्तियों के खिलाफ भी तो करो। जो भी अनिष्ट कोई कर रहा है, ऐसे लोगों को छांट करके ऐसे जगह बैठाओ जहां के देश के दुश्मन खड़े हैं, कम से कम कुछ तो राहत मिले। लेकिन अपने ही दादा भाई, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी पर हम अजमाते हैं अपना जोर, अपने सारे गुना भाग। साहब कहते हैं सब अंधविश्वास। विश्वास प्राण है तो अंधविश्वास मुर्दा है। इसलिए किसी भी चीज के पीछे रहस्य को जानिए। माता पिता क्यों आदरणीय हैं, राम क्यों पूजनीय हैं, ये जानने की चेष्टा करिए। जिस दिन आप अपने बच्चे को ये समझाने में सफल हो गए कि राम क्यों पूजनीय है, फिर दुनिया उसके मान्यता को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने स्वयं जाना है, उसने जिया है उस चीज को। जिस चीज का अनुभवी आप खुद बन जाते हैं, फिर वो आपके लिए कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जिसको सच में भाई के प्रति भाव जागृत हो गया, कोई भी बीच में आ जाए कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई खंडित नहीं कर सकता आपके प्रेम को। लेकिन अगर थोड़ा सा स्वार्थ आपके प्रेम को तोड़ सकता है, थोड़ा सा लालच आपके प्रेम को तोड़ रहा है, थोड़ा सा घमंड आपके प्रेम को तोड़ रहा है, इसका मतलब प्रेम की जड़ बहुत कमजोर है, बहुत खोखला है, जिस पर स्वार्थ भारी पड़ गया, जिस पर अहंकार भारी पड़ गया। प्रेम भीतर से इस कदर जागृत करिए कि दुनिया का कोई स्वार्थ आपको भाई से अलग ना कर सके, दुनिया का कोई अहंकार, कोई घमंड, कोई लालच आपको भाई से अलग ना कर सके। अपने भीतर माता पिता के प्रति वो श्रद्धा जागृत करिए, वो निष्ठा जागृत करिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार, कोई भी शक्ति आपको माता पिता से विमुख न कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। इसलिए किसी भी चीज को जानना है। साहब जानने की बात करते हैं कि समझें, किसी भी चीज को समझें, जानने की चेष्टा करें। बच्चों को समझाइए, बताइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए, उनके आदर्शों की चर्चा करिए, बताइए, करके दिखाइए। भगत सिंह क्यों पूजनीय हैं, क्यों दिलों की धड़कन है, अपने बच्चों में ये चीज समझाइए। डायरेक्ट मत बताइए कि भगत सिंह फांसी पर लटक गए, जाओ उन पर प्रणाम कर लो। क्यों लटके फांसी को, क्यों चूमा उन्होंने, क्या किया उन्होंने देश के लिए, नेताजी सुभाष ने क्या किया देश के लिए, ये देश क्या है, ये सारी चीजें आप बताइए। जिस दिन आपने बताया, वो देश के लिए मर मिट सकता है, लेकिन कभी भी झुक नहीं सकता देश के लिए।
शिवाजी ने कहा था ना कि गर्दन कट सकता है लेकिन दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकता। इस देश के लिए गर्दन हम काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। महाराणा प्रताप ने क्या किया? समझौता नहीं किया आक्रांताओं से, मुगलों से। उन्होंने कहा नहीं, हम जंगल में जाके घास की रोटियां खा लेंगे लेकिन विदेशी आक्रांताओं से कोई समझौता नहीं। आज हमें लालच मिल जाए तो हम अपने ही लोगों को क्या से क्या कर देंगे। ये वही देश है जहां राजा सिवी एक पक्षी की जान बचाने के लिए शरीर का मांस दान कर देते हैं, और हम लोग आज ऐसे स्वार्थपरता में आ गए कि रास्ते में कोई भिखारी भिक्षा मांग रहा है तो देंगे तो क्या है, चुपके से उसके थाली से लेके भाग जाता है। यार बेचारा जैसे तैसे करके 200-400 जमा किया है, आज आदमी इतना लोलुप हो गया है कि मौका पाते भिखारी के कटोरे से चोरी कर लेता है। क्या है ये? पतन ही तो है। जो देश दूसरों को जीवन देता है, जो धर्म जो संस्कृति दूसरे को ऊर्जा देता है, वहां हम इतने कमजोर हो गए, हमारा मन इतना कमजोर हो गया, इतनी निशाचरी बुद्धि हमारी हो गई। इसीलिए हम बिखरते चले जा रहे हैं, हमारा समाज बिखरते चले जा रहा है। जगह जगह से तमाम तरह की समस्याओं की खबरें हमें सुनने को मिलती है। सबका समाधान ये है कि आप सबसे पहले समझिए मैं कौन हूं, ये समझिए। जीवन क्या है, समझिए। संसार क्या है, समझिए। यहां हमारा आना क्यों हुआ है, समझिए। अगर रिश्ते हैं, रिश्तों को कैसे बेहतर रूप दिया जा सकता है, माता पिता गुरु का किस भांति आदर किया जा सकता है, तो इस तरह से जब हम अपने भाव बनाएंगे तो जो कुछ भी होगा वो प्योर होगा, बनावटी नहीं होगा, वो टूट नहीं सकता है, वो बिखर नहीं सकता। फिर जो बच्चे निर्मित होंगे, जो बढ़ेंगे पलेंगे आपके निगरानी में, फिर वो निश्चय ही अगर 10 भी है तो वो अगर भगत सिंह की भांति 10 बच्चे हो गए पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। कौरव की सेना नहीं खड़ी करनी कि 100-100 बच्चे समाज में हैं और कौरव की तरह है, जो अधर्म का कारण बने, जो पाखंड का कारण बने, जो विनाश का कारण बने। एक अर्जुन काफी है जो महाभारत युद्ध में पूरे धर्म का नेतृत्व कर सके। अपने पुत्र को उस भांति संस्कारित करिए कि योग्यता अर्जुन की भांति हो, जो ज्ञान का गांडी उठा करके सारे पाखंड सारे विकारों पर प्रहार कर सके। इसलिए दिव्यता जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, सच्चे गुरु का सानिध्य जरूरी है। ये समाज बिखरता जा रहा है, देश बिखरता जा रहा है, ये समाज संप्रदायों में जातियों में मतपंथों में बंटा चला जा रहा है। कोई भेद नहीं होना चाहिए, मतपंथ चाहे कितने भी हों, संप्रदाय चाहे कितने भी हों, अंततः हम सब भारतीय ही तो हैं। जब हम इस भारतीय के सूत्र में बंधेंगे तब पता चलेगा कोई पराया कहाँ है, सब तो अपना ही है। और सद्गुरु कबीर तो कहते ही हैं, जेते और अत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल हराम का सो गुरु पीर हमारा। कि जो कुछ भी है, जो भी है, सब अपना ही तो रूप है। गहराई से आप जब लोगों को देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, तो आपकी अपनी ही छवि सब में नजर आएगी। फिर किसी से विरोध क्यों, फिर किसी के प्रति कड़वाहट क्यों? इसलिए हम सब अपने भीतर ये जागृति लाएं, इस समझ पैदा करें कि अंधविश्वास में नहीं, समझदारी में चलना है। जबरदस्ती रिश्ते को नहीं ढोना है, रिश्ते को एक सुंदर रूप प्रदान करना है। जैसे राम और भरत का प्रसंग हम सुनते हैं, राम और लक्ष्मण का प्रेम हम सुनते हैं, हमारे जीवन का भी वही प्रसंग बन जाए। जैसे माता कौशल्या और सीता के प्रेम की चर्चा होती है, वही हर सास बहु की चर्चा हो जाए। जैसे कृष्ण और सुदामा की मैत्री की चर्चा होती है, कृष्ण और अर्जुन की मैत्री की चर्चा होती है, वही हमारे आपकी चर्चा होने लगे। वो आचरण हम अपना आचरण बना सकें, यही धर्म का सच्चा अनुचरण अनुसरण है, अनुचर है। इसलिए जब हम
अंधा बनकर जाते हैं तो कुछ भी कहीं कोई बता दिया मान के चले आए, फिर कहीं कोई बता दिया मान के चले आए, लेकिन जब हम जागृत होकर जाते हैं तो एक इंसान के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में हमारे भीतर एक परिपक्वता आता है, आती है। फिर हम समाज को दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर हम अपने बच्चे को एक सही मार्ग देने का सामर्थ्य रखते हैं। जब खुद का ही जीवन बिखरा हो, हम संतान को क्या रास्ता देंगे, हम परिवार को क्या दिशा देंगे। तो समय अधिक हो गया है। यही शुभकामना करूंगा कि हम सब इस सत्संग के माध्यम से अपने अपने विवेक को जागृत करें, अपने अपने भीतर की समझदारी को जागृत करें, कोशिश करें कि जीवन भले थोड़ा हो पर समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, और सदैव पवित्र रूप में हो। हमारी पवित्रता हमें अमरता प्रदान करेगी, शाश्वत अवस्था तक ले जाएगी। तो हम सब अमर बन सकें यही कोशिश करें। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।